हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, हनुमान का गोल्डन रन जो है बॉक्स ऑफिस पर इसी तरीके से चलते जा रहा है जो पिछले दिनों से चल ही रहा है। आज है डे नंबर 15 और आज के दिन पर क्या रुझान आने वाले हैं, आज बुक माय शो हमको क्या कुछ दिखा रहा है एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपडेट होकर के आ चुकी है, ये कहां तक पहुंची है सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देख लो यार, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसा हो रहा है वीडियोस आप देख रहे हो एंजॉय कर रहे हो उनको लाइक भी कर रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हनुमान के इस गोल्डन रन के बारे में जो मैं आपसे कह रही हूं। डिस्पाइट न्यू रिलीजेस, डिस्पाइट द फैक्ट कील हनुमान इतने स्ट्रॉन्ग क्लैश में आई थी, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैशेस जो होते हैं, एक होता है जो दिवाली पे हम लोग देखते हैं, दिवाली में इतनी सारी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं, दूसरा साउथ में संक्रांति का समय बहुत बड़ा होता है, वो पूजा बहुत बड़ी होती है, वहां पर एक एक हफ्ते के लिए छुट्टी होती है और उस वक्त पर कम से कम 8 नई रिलीजेस के साथ हनुमान रिलीज हुई थी। एंड यू एंड मी एवरीबडी नोज कि किस बजट पे हुई थी, कितने कम प्रमोशन पे हुई थी, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे, साउथ में तेलुगु जो शोज हैं, तेलुगु जो थिएटर्स हैं वहीं से इस फिल्म को स्क्रीन नहीं मिली थी, हिंदी की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जैसे ही ये रिलीज हुई इसके रिव्यूज आने शुरू हुए, सेकेंड थर्ड डे से इसने जो पिकअप उठाया, हिंदी में अलग डिमांड हो गई, हिंदी में ऑलरेडी एग्जिबिटर्स जो थे पहले जिनको पता नहीं था वो हनुमान को लगाने के लिए हाथों हाथ जो है वो खड़े हो गए कि भैया हमको हनुमान चलानी है अपने थिएटर्स में क्योंकि इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे इस वक्त पे कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितनी हो चुकी है 14 डेज की, और आपको ये तो पता ही है कि हम लोग 150 करोड़ जिसका हम लोग नंबर का बात कर रहे थे कि इंडिया नेट कलेक्शन जो है ये क्रॉस हो जानी चाहिए बिफोर वीकेंड। अब देखो वीकेंड स्टार्ट हो गया, अब वीकेंड पे मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आज जबरदस्त आप नंबर्स देखोगे, 5 करोड़ मिनिमम मैंने आपसे आज की प्रिडिक्शन करी थी एंड वो तो पीनट्स जैसा लग रहा है इस वक्त कि भाई वो तो कुछ भी नहीं है, सोचो वो एक तरफ है और जब हम इन 3 दिनों को ऐड करेंगे इन द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कहां तक पहुंचेगी, 250 करोड़ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि 250 करोड़ रेसिंग स्टॉर्मिंग टुवर्ड्स दैट, आई थिंक बहुत इजीली वो इन 3 दिनों में कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बात करेंगे क्या 250 करोड़ के क्लब से अभी फिल्म जो है कितनी दूर है हनुमान। देखो डे नंबर 1 पे क्या था, 21.35 करोड़ का जो है कलेक्शन हुआ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, बिकॉज बहुत ही कम, जैसे मैंने कहा कि कोई जानता नहीं था, लोगों को पता नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट लोग जो है वो गैम्बल की तरह देख रहे थे कि भाई ठीक है चले जाएंगे देख आएंगे, लेकिन जैसे ही लास्ट के 10 मिनट आते हैं, आपने भी देखी है फिल्म, आपको समझ में आ जाता है डायरेक्टर क्या चीज है इस फिल्म की और क्या कन्विक्शन से स्टोरी बताई गई है, ठीक है। डे नंबर 1 था 21.35 करोड़, डे नंबर 2 29.72 करोड़, डे नंबर 3 24.16 करोड़, डे नंबर 4 25.63 करोड़, चारों दिनों में कहीं पर भी 20 से कम का नंबर नहीं है। उसके बाद डे नंबर 5 19.57 करोड़, डे नंबर 6 15.40 करोड़, डे नंबर 7 14.75 करोड़, डे नंबर 8 14.2 करोड़, डे नंबर 9 20.37 करोड़, फिर से एक जंप ले लिया, डे नंबर 10 23.9 करोड़, डे नंबर 11 यहां से सिंगल डिजिट स्टार्ट हो गई 9.36 करोड़, डे नंबर 12 7.2 करोड़, डे नंबर 13 5.65 करोड़, और डे नंबर 14 पर 4.95 करोड़, लगभग कह सकते हो 5 करोड़ डे नंबर 14 पर भी इसने किया है जब इंडिया नेट में 3 करोड़ पे ही सिर्फ बात बनी थी, लेकिन ओवरसीज मार्केट अभी भी अपना जलवा जो है वो दिखा रही है। और इसी के साथ टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ 14 डेज ऑफ हनुमान इज 236.22 करोड़, जी हाँ 236 करोड़ का आंकड़ा हो चुका है, 250 करोड़ हम लोग प्लान करके चल रहे हैं, ये 15 करोड़ मुझे इस वीकेंड में मतलब स्मूथ एकदम स्मूथ आता हुआ नजर आ रहा है आज की अगर हम बात करते हैं। और जहां तक रही बात आज की, तो आपको पता है कि आज के दिन पर तो वैसे ही छुट्टी है, 26th of January छुट्टी का दिन प्रॉपर, और आज के दिन मैंने आपको सुबह ही बताया था कि बहुत बड़ा नंबर आज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, 5 करोड़ तो लाइक पीनट्स ऑलरेडी वो हो जाएगा, लेकिन इस वक्त पे चल क्या रहा है, अगर मैं बुक माई शो अगर मैं आपको हाँ ओपन करके बुक माई शो भी दिखाऊंगी और अभी की ऑक्यूपेंसीज जो है वो भी दिखाऊंगी क्या कुछ चल रही है। हैदराबाद में हम लोग फिर से हनुमान की एक बार ऑक्यूपेंसीज देखेंगे हिंदी 2D वर्जन में, जो भाई सुबह हाल था ना अब तो उससे भी ज्यादा फायर वाला सिस्टम जो है वो हो चुका है, आग लगी पड़ी है, ठीक है, आप देख ही रहे हो कितना ऑरेंज ही ऑरेंज कलर नजर आ रहा है। मैं होप कर रही हूं कि कल के दिन पे भी हमारे को बहुत अच्छा नंबर देखने को मिल सकता है, कल और परसों छुट्टी के चलते। इस वक्त पर 12,000 टिकट्स बुक इन लास्ट 1 आवर, 12,800 टिकट्स बुक इन लास्ट 1 आवर का रेट चल रहा है। और अगर जहां तक रही बात ऑक्यूपेंसीज की, तो ऑक्यूपेंसीज हमारे को क्या दिखला रही है, तो यार मतलब हर बार मैं यही सरप्राइज होती हूँ कि हनुमान का क्या मतलब मजेदार नंबर चल रहा है, ठीक है। अभी इस वक्त पे जो नंबर आ चुका है ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी आई है, तेलुगु 2D वर्जन से 42.3% की ऑक्यूपेंसी इन द मॉर्निंग। हिंदी की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो हिंदी में अभी 15.8% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रही है। मुझे ये जरूर देखना है साथ साथ में कि कोई शो काउंट्स कम तो नहीं हो रहे हैं हिंदी से, मुंबई में 148 शोज रह गए हैं और दिल्ली NCR में 170 शोज रह गए हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी में कमी आई है शो काउंट्स की बिकॉज ऑफ न्यू रिलीजेस, बिकॉज ऑफ
फाइटर जो रिलीज हुई है उसके चलते अभी शो काउंट जो है वो थोड़े से कम हमारे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बट स्टिल दिस इज फिनोमिनल जिस तरीके की स्पीड ये अभी तक लेकर के चल रही है और आगे भी ये मुझे लगता है कि आने वाले पूरे हफ्ते में जिस तरीके की ये स्पीड दिखाएगी एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, अभी तक का जो कलेक्शन है ऑफ डे नंबर 15 ये आ चुका है 3.6 करोड़, 3.6 करोड़ ऑलरेडी डन एंड डस्टेड हो चुका है। अभी तो दोपहर हो रही है, ठीक है, शाम का वक्त भी नहीं हुआ, दोपहर हो रही है और 154 करोड़ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हनुमान कर चुकी है। अब क्या कहना है आपको इस सब पे, आपकी क्या राय है, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी।